रांची शहर पर फैला स्नेचर का आतंक, वीडियो में देखिए कैसे चोर चेन छिनतई की घटना को अंजाम देते हैं। ये चेन स्नेचर यानी चेन छिनतई करने वाले चोर महिलाओं को अपना शिकार बनाते हैं। सुबह और शाम सुनसान वाले जगहों पर ये चेन छिनतई की घटना को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं। चेन छिनतई से पहले स्नेचर उस इलाके की रेकी करते हैं, अपने को सुरक्षित पाकर फिर देते हैं घटना को अंजाम। इस तरह की घटना किसी के साथ भी हो सकती है। इस खबर और वीडियो को अच्छे तरीके से देख लें। एक चोर ने किस तरह दिया घटना को अंजाम। घर के बाहर महिला से झपट ली सोने की चीन। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की पूरी वारदात। राजधानी रांची में चेन छिनतई गैंग का आतंक जारी है। मामला जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के हेसाक का है। यहाँ एक बुजुर्ग महिला से उचक्कों ने सोसाइटी के गेट पर ही सोने की चेन की छिनतई कर पुलिस को चुनौती दे डाली है। राजधानी रांची में इस तरह की घटना को अंजाम देकर बाइक सवार स्नेचर भाग गया। इससे पहले कार्रवाई करते हुए एक महीना के अंदर रांची पुलिस ने करीब एक दर्जन स्नेचर्स को गिरफ्तार कर बहुत हद तक स्नेचिंग पर रोक लगाई थी, लेकिन 4-5 दिनों में एक बार फिर स्नेचर एक्टिव हो गए हैं। बुधवार 26 जुलाई की सुबह एक बुजुर्ग महिला पति के साथ मॉर्निंग वॉक कर सोसाइटी के गेट के अंदर प्रवेश करने वाली थी। महिला अपने गेट से मात्र 5 सेकेंड की दूरी पर थी, तभी हेलमेट पहने हुए स्नेचर उनके पीछे दौड़ कर आता है और सोने की चेन झपट कर फरार हो जाता है। यह घटना जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के हिसाग स्थित ग्रीन गार्डन सोसाइटी के बाहर की है। बताया जाता है कि पूर्व मेकॉन कर्मी पत्नी के साथ अपनी सोसाइटी के तरफ लौट रहे थे, उसी दौरान हेलमेट पहने स्नेचर ने उनकी पत्नी के सोने की चेन छीन ली। वहीं स्नेचर की पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सीसीटीवी कैमरे में साफ नजर आ रहा है कि दोनों बाइक सवार अपराधी पूर्व मेकॉन कर्मी और उनकी पत्नी को लगातार पीछा कर रहे थे, जिसकी भनक दोनों पति पत्नी को नहीं लग पाई। दोनों बड़े आराम के साथ बिना किसी भय के साथ अपने सोसाइटी के अंदर जाने वाले थे कि बाइक सवार दो अपराधियों में से एक अपराधी तेजी के साथ महिला की तरफ पीछे से आता है और गले से सोने की चेन झपट कर फरार हो जाता है। बुजुर्ग मेकॉन कर्मी हिम्मत दिखाते हुए अपराधी को खदेड़ती भी है, लेकिन वे उन्हें पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। दरअसल एक अपराधी अपने बाइक को स्टार्ट कर पहले से ही खड़ा था। चेन छीनने के बाद दूसरा अपराधी स्टार्ट बाइक पर बैठ जाता है, जिसके बाद दोनों चोर वहां से फरार हो जाते हैं। इस घटना के संबंध में हटिया डीएसपी राजा कुमार मित्रा ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना भी कैद हुई है। पुलिस लाल टी शर्ट पहने अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। दोनों बुजुर्ग लिखित शिकायत दे रहे हैं, जिस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी ने बताया कि अपराधियों की पहचान कर छापेमारी जारी है।